राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, करौली जिले के पांचना डैम से आप सभी का स्वागत है। आज 1 सितंबर की आप सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, राजस्थान में पिछले 1 महीने से मानसून काफ़ी मेहरबान रहा है और इसी के चलते पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान के करौली जिले में बने एशिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने बांध से पानी की लगातार 1 महीने से निकासी जारी है। पिछला अगस्त का पूरा महीना बीत गया है, लेकिन 1 महीने से लगातार बांध के गेट जो हैं वो ओपन हैं। कल 30 अगस्त की अगर बात करूं, तो कल 29 अगस्त को शाम को बारिश हुई थी। चक्रवात जो कि गुजरात में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, उसका असर राजस्थान में देखने को मिला और 29 अगस्त शाम को काफ़ी अच्छी बारिश हुई और इसी के चलते 30 अगस्त यानी कि कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक डैम के 2 गेट ओपन रहे 1-1 फिट। दोपहर 2 बजे के बाद में डैम का गेट नंबर 2-1 ओपन किया गया, दूसरा गेट बंद कर दिया गया। तो दोपहर के बाद में डैम का 1 गेट ओपन रहा और आज 31 अगस्त अगर सुबह की बात करूं तो सुबह से डैम का 1 गेट ओपन है, क्योंकि कल दिन में बारिश नहीं हुई, 31 अगस्त को शाम को भी बारिश नहीं हुई है और आज का मौसम भी अच्छा साफ नज़र आ रहा है। इसी के चलते अब डैम में से 1 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हालांकि पिछले 1 महीने से अगर बात करूं तो डैम से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। कई लाखों हज़ारों क्यूसेक पानी जो है वो डैम से छोड़ा जा चुका है। पांचना डैम की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। कल शाम को यानी 31 अगस्त शाम को जब हम कल आए थे तो डैम की भराव क्षमता जो है वो 254 मीटर थी और रात में पानी की आवक फिर से हुई है, तो उसी के चलते आज डैम का 1 गेट सुबह से ओपन है। आज दोपहर के बाद फिर से आएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि डैम के आज कितने गेट खोले जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार पांचना डैम से छोड़े जाने वाले पानी से जो गंभीरी नदी ये बन रही है, इसने कई बार डूब लिया और उसी के चलते हिंडौन सिटी भरतपुर में कई स्थानों पर तबाही देखने को मिली। किसानों को खेतों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है और इस बार गंभीरी नदी का जो पानी है वो भरतपुर के घना में पहुंच गया है और अब खानवा तक पानी जो है वो पहुंचने लगा है। हमारे जो भरतपुर के साथी हैं उन्होंने बताया कि घना के सारे जो डैम हैं वो फुल हो गए हैं, बीच में भी नदी पर जो डैम बने हैं वो भी अब भर गए हैं और अब पानी खानवा से निकलने वाला है, फिर धौलपुर होते हुए यूपी में इंटर करने वाला है, जो कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि इतनी अधिक पानी की निकासी पिछले 20 सालों से पांचना डैम से नहीं की गई है जितनी इस बार हुई है, क्योंकि बरसात इस बार पिछले 20 सालों में सबसे अधिक हुई है। दोस्तों, पांचना डैम की अगर मैं बात करूँ तो यह राजस्थान के करौली ज़िले में अरावली की पहाड़ियों से घिरे बुड़ला नामक गांव में बना हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। यह बालू मिट्टी से बना हुआ बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। यह 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है, इसीलिए इसे पांचना या पांचना डैम कहा जाता है। इसमें भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टामाची और भैंसावर 5 नदियों का पानी आके गिरता है। इससे डैम की कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है, जो कि इस बार कई बार अपनी भराव क्षमता से ऊपर निकल चुका है, इसीलिए पानी की लगातार निकासी जो है वो जारी है। साथियों, करौली ज़िले का पांचना जो बांध है वो पिछले वर्ष से इतने अधिक द्वार नहीं खोले गए और ना ही पानी की निकासी की गई थी जितनी पिछले कई सालों में इस बार की गई है। आज 31 अगस्त दोपहर के बाद में फिर से डैम की स्थिति का जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सुबह से जैसे मैंने बता दिया आपको कि डैम का 1 गेट 1 फिट ओपन है और पानी की निकासी गंभीरी नदी में की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डैम लगभग आज भी फुल है। दोपहर के बाद शाम को फिर से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक प्रशासन आप सभी से अपील करता है कि आप गंभीरी नदी से बनने वाले नदी, नालों, झरनों, तालाबों से दूरी बनाए के रखें, अपने पशु संसाधनों
और अपने परिवार की सुरक्षा रखें। दोस्तों मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।